हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट, और ये आपकी क्लास सेवेंथ है। तो ये जो क्लास है आपकी, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आज के टॉपिक्स हैं आपके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दैट इज MOPNNG, कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑक्सीजन पार्लर, ओपन डिफिकेशन फ्री, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड एंड नेशनल फार्मर्स डे। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका कि कैबिनेट कमेटी ने, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अप्रूव किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भरतपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड एंड द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंड उसके अलावा आपका इम्प्लीमेंटिंग आसाम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट, इन सबके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होंगे इनको लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल से इसको दे दिया जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को। तो पहले आपके ये जो सारी कंपनीज थी, चाहे वो आपकी BCPL हो, CPSU हो या फिर AGCP हो, इन सबका जो कंट्रोल था ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल में आता था, बट अब ये इसको ट्रांसफ़र किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को, ताकि इसका और ज़्यादा बेटर इनके फील्ड में, इनको भी सबसे बड़ी बात है इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े और इनको और ज़्यादा डेवलपमेंट इनका हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका दिल्ली द कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिल्ली के CM जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, एक पॉलिसी बनाई है जिसमें उनकी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो प्लान कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडीज प्रोवाइड करें। ये जो सब्सिडीज होंगी, जितनी भी आपकी न्यू व्हीकल्स होंगे, रजिस्टर्ड होंगे 2024 पे, उन पे 25% सब्सिडी देने की बात की गई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि ये 250 चार्जिंग स्टेशंस को बनाएंगे और उसके साथ साथ 20% जो पार्किंग एरियाज होंगे वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। इन्होंने ये जो पॉलिसी है इनकी, इसको बनाया गया था UNEP के, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के एक्सपर्ट्स ने अपना फीडबैक दिया था और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट काउंसिल ने अपना फीडबैक दिया था, उसके बेसिस पे इस पॉलिसी को बनाया गया है। तो ये पॉलिसी इसलिए इम्पॉर्टेंट होगी दिल्ली के लिए क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और अगर ये इम्प्लीमेंट हो पाती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। इंडियन रेलवे ने एक ऑक्सीजन पार्लर बनाया है, ये नासिक रेलवे स्टेशन पे बनाया गया है। ये जो ऑक्सीजन पार्लर है, इसका रिकमेंडेशन नासा से मिला था। नासा ने एक स्टडी करी थी और उसमें बताया था 1989 में उन्होंने 5 प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया था जो कि जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्व करते हैं। तो इन प्लांट्स को यहाँ पर इस ऑक्सीजन पार्लर में लगाया गया है और इसको, इसका जो कोलैबोरेशन है, उसका कोलैबोरेशन इंडियन रेलवे ने एरोगार्ड नाम की कंपनी के साथ किया है। ये एरोगार्ड जो कंपनी है ये नासिक की कंपनी है और ऑलमोस्ट प्लांट नर्सरीज में बहुत ज़्यादा ये आगे है। ठीक है, एरोगार्ड इसके साथ मिलकर इन्होंने ये ऑक्सीजन पार्लर बनाया है। यहाँ पर काफ़ी सारे, इस ऑक्सीजन पार्लर में काफ़ी सारे प्लांट्स को वहाँ पे लगाया जाएगा और ये 10x10 फीट के होंगे। ये एरिया को एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे और जो वहाँ के कम्यूटर्स होंगे उनको क्लीन एयर मिल पाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक अनाउंसमेंट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये अनाउंस किया है कि 35 स्टेट्स जो हैं इंडिया की, वो डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। इन्होंने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस प्रोटोकॉल्स लगाए थे जिसमें इन सारे स्टेट्स में फ्री टॉयलेट्स को बनाया गया था और उसके साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे जो उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट किए गए थे। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने वाटर प्लस प्रोटोकॉल को भी लॉन्च किया है। वाटर प्लस प्रोटोकॉल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वाटर प्लस प्रोटोकॉल ये मेक श्योर करता है कि कोई भी अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्चार्ज ना किए जाएं डायरेक्टली वाटर बॉडीज में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, कोई भी वाटर बॉडीज है वहां पर बहुत सारे अनट्रीटेड वाटर वेस्ट डिस्चार्ज किए जाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे हाउस होल्ड का हो। तो उसकी वजह से वो वाटर बॉडीज बहुत, मतलब उनमें वो खराब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं और इस वजह से ये मिनिस्ट्री ने ये वाटर प्लस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया है।
इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनको गूगल मैप पे मैप्ड किया है ताकि लोगों को इजीली पब्लिक टॉयलेट्स मिल सकें, उनको लोकेट करने में प्रॉब्लम ना हो। और ऑलमोस्ट 2,300 सिटीज़ में ये पब्लिक टॉयलेट को मैप कर दिया गया है, जिसमें मोर देन 57,000 पब्लिक टॉयलेट्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जस्ट अ सेकंड, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, NABARD, नाबार्ड एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो इन तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि आपका बेस्ड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड, FIDF, जिसको हम फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड बोलते हैं। ये एक फंड होता है जो गवर्नमेंट देता है और इसको इसके लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व रहेगा, नाबार्ड इन्वॉल्व रहेगा और उसके साथ साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी। इसमें इस फंड को प्रॉपरली अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उससे जितने भी आपके फिशरीज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, सच एज फिशिंग वेसल्स को की सेफ लैंडिंग, फिश प्रोडक्शन, सिमुलेट फिशरीज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द रीजन, इन सबको प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ साथ डीप सी फिशिंग, केज कल्चर एंड एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी ये फंड यूज़ किए जाएंगे। तो तमिलनाडु में फिशरीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, इसको कॉमर्शियल लेवल में और इसके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस पर्टिकुलर जो फंड है इसको एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लास्ट टॉपिक है जो आज का हमारा, वो है नेशनल फार्मर्स डे। नेशनल फार्मर्स डे हर साल 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारे फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर इसको हम मनाते हैं। इसको हम किसान दिवस भी कहते हैं और पूरे कंट्री में इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो राइट आंसर आपका 23 दिसंबर होगा। तो ये आज के आपके टॉपिक थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी करवाऊंगी। और ये जो आज के टॉपिक्स थे वो आपके दिसंबर के थे, दिसंबर 2019 के। अब हमने दिसंबर 2019 के सारे टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। आगे के वीडियोस में हम कवर करेंगे जनवरी के टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।